हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोग एम्पियर्स लॉ लास्ट में देख रहे थे। मैंने बताया था कि एम्पियर्स लॉ तभी हम यूज करते हैं जब क्या हो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सिमेट्रिकल क्या हो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सिमेट्रिकल हो। आई मीन व्हेन एवर देयर इज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, है ना, then we can easily find out the magnetic field by using the Ampere's law. लेकिन Ampere's law जो होता है वो क्या होता है, किसी भी current distribution के लिए क्या होता है, valid होता है। मैंने ये बताया था कि Ampere's law क्या होता है, किसी भी current distribution के लिए valid होता है, लेकिन useful तभी होता है जब क्या हो, current का distribution क्या हो, सिमेट्रिकल हो। जैसे मैंने बताया था कि सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द एम्पियर लूप या एम्पियर लूप मस्ट बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का आइदर क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एम्पियर लूप के टेंजेंशियल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम्पियर्स लॉ बोलता क्या है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं कि एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये आपके बोर्ड में भी दो एक मार्क्स के लिए पूछा जाता है या दो मार्क्स के लिए कि डिफाइन एम्पियर्स लॉ। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यूनट टाइम टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पियर लूप, टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पियर लूप, ठीक है, वेयर म्यूनट क्या है, परमियबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं कि म्यूनट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 4π × 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर होता है। ये एम्पियर पर मीटर कैसे होगा आगे आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां आपसे पूछा जाए, सिंपल एक एग्जांपल दिया हुआ, देखो यहां क्या है, अब ये एम्पियर लूप है, I1, I2, I3 और I4 क्या है, इसके अंदर करंट है। मैंने बताया था कि जब आप नेट करंट कैलकुलेट करोगे, नेट इनक्लोज्ड करंट, तो आपको क्या करना है, करंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा। तो क्या करना है कि जो एम्पियर लूप पे क्या करो, रैंडमली क्या करो, एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो, क्लॉकवाइज और क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। और फिर क्या करना है, जैसे मान लो कि यहां करंट, यहां हमने डायरेक्शन कैसे कंसीडर किया है, एंटी क्लॉकवाइज, और क्या करना है, राइट हैंड पाम को क्या करना है, ऐसे रख करके और डायरेक्शन की तरफ क्या करना है, कर्ल करना है। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन देगा, एंड जो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां देख सकते हो कि आउटवर्ड कौन कौन सा करंट है, I1 एंड I3, तो I1 I3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इनवर्ड कौन सा करंट है, I2 और I4, ते क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कि बी डॉट क्या होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नट इंटू I1 प्लस I2 माइनस क्या होगा, I1 I2 I1 प्लस I2 है ना, माइनस क्या नहीं, I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस क्या होगा, I4। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि फाइंड इन द सोन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल, ये आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया रहेगा, तो एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। एक दूसरा एक एग्जांपल देखो, अब देखो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो जो हमने ये डायरेक्शन कंसीडर किया है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा, आई मीन करेक्ट है, यदि नेगेटिव होगा देन आई मीन यदि नेगेटिव आ रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपको ये मालूम है कि बी डॉट डी एल क्या होगा, बी डॉट डी एल जो होगा ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, डी एल और बी का डायरेक्शन क्या है, सेम होगा। यदि नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, 190 आई मीन 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, आई मीन क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल 90 डिग्री से, सॉरी बी डॉट डी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जैसे एक सेकंड एग्जांपल देखो, फाइंड
फाइंड द क्या होगा वैल्यू, मैं कई एग्जांपल वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल एच शोन इन द फिगर फिगर्स बिलो। देखो यहाँ कई यहाँ ऐसे मैंने क्या किया है, अब मैं ठीक है ये फिगर क्या है ये भी पूछा जाता है। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, करंट तो हम कंसीडर कर ले इसके अंदर एक करंट, ये चलो हमने कंसीडर कर लिया 4i, ठीक है। यहाँ एक करंट है जिसको हमने 3i मान लिया, ठीक है। यहाँ जो एक करंट हमने मान लिया 7i, और यहाँ जो करंट है हमने क्या मान लिया है 5i, इधर इधर, ठीक है। दूसरा इधर देखो एक एम्पियर लूप हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहाँ हमने इसके अंदर देखो यहाँ क्या है I mean इधर हमने मान लिया यहाँ करंट है 2i एम्पियर, यहाँ करंट है ठीक है 4i एम्पियर। ये फिगर क्या है बी, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या करना है बी डॉट डी एल आपको क्या करना है I mean इसका वैल्यू निकालना है इस केस में। दूसरा एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। यहां एक और पॉइंट याद रखना है कि ठीक है बस ये एग्जांपल पूछा जाता है, सिंपल सिंपल एग्जांपल है। तो अब क्या करना है मुझे एम्पियर्स लॉ, ये सब एम्पियर लूप दिया हुआ है या एम्पेरियन लूप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आपको हर केस में क्या करना है, पहले तो इनक्लोज्ड करंट कैलकुलेट करना है। इनक्लोज्ड करंट देखो यहाँ ऐसे देखोगे तो इनवर्ड जो करंट होगा, देखो डॉट का मतलब क्या हुआ, करंट इज आउट ऑफ द आई मीन करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इफ यू आर द ऑब्जर्वर। यदि आप ऑब्जर्वर हो ऐसे देखोगे देन करंट विल कमिंग टुवर्ड्स क्या होगा, ठीक है। क्या होगा यदि डॉट होगा करंट क्या होगा आउटवर्ड होगा, यदि क्रॉस होगा तो करंट किधर होगा इनवर्ड होगा। यहां देखो जो इनवर्ड करंट आई मीन फिगर ए में, फिगर ए इसमें क्या होगा आई इनक्लोज्ड कितना होगा देखो ध्यान से, देखो 3i क्या होगा पॉजिटिव होगा, समझ में आया ना। अंदर करंट हम क्या लिखेंगे 3i माइनस 4i, बात है जो करंट अंदर होगा पॉजिटिव, बाहर होगा वो क्या होगा आउटवर्ड होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा, तो 4i प्लस क्या होगा 7, यहां क्या हो जाएगा माइनस 8i, ठीक है। कितना हुआ माइनस 8i, तब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लूप एम्पियर्स लॉ क्या होगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा माइनस म्यूनट 8i, ठीक है। कितना हुआ माइनस म्यूनट 8i। दूसरा एग्जांपल देखो फिगर बी, तो यहां ये भी देखना है, देखो यहां क्या लिखोगे करंट जो है एम्पियर आई मीन लूप से क्या है बाहर है, तो फिगर सेकंड में क्या लिखोगे आई इनक्लोज्ड इनक्लोज्ड इक्वल टू क्या होगा जीरो, आई मीन करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप इन दिस फिगर क्या है जीरो है, इसलिए यहां हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल विल बी क्या होगा जीरो। जब भी क्या होगा
कोई भी जो करंट एम्पियर लॉ से एम्पियर लूप से बाहर होता है उसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अभी टाइम नहीं है इसलिए नहीं, तो एक स्टेप में प्रूफ भी हो, एक स्टेप नहीं आई मीन दो तीन मिनट में हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि जो करंट बाहर होगा उसके द्वारा क्या होता है बी डॉट डी एल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। आई मीन उसके वजह से यदि जो करंट आउटसाइड है उसको कंसीडर करके आप बी डॉट डी एल निकालोगे तो उसके द्वारा क्या होता है जीरो वैल्यू आता है, ठीक है, क्या होगा जीरो आता है। इसलिए एम्पियर्स ने क्या होगा कि जो करंट एम्पियर लूप के अंदर है उन्हीं का सम जो है वो क्या है आपको कंसीडर करना है, जो एम्पियर लूप से बाहर होगा उसको कंसीडर नहीं करना है उसको। इसलिए यहां टोटल करंट इंक्लोज्ड बाय द एम्पियर लूप क्या हो गया जीरो हो गया, इसलिए बी डॉट डी एल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं किसमें सेकंड फिगर में, देखो यहां इससे ये इस सब एग्जांपल जो हमने दिया है इसका कुछ बाद में हम कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखेंगे यहां दो तीन पॉइंट तो आपको मालूम चलेगा। तो फिगर सी में आप देखोगे फिगर सी में क्या दिया हुआ है, देखो तो पहले हम आई इनक्लोज्ड कैलकुलेट कर ले, आई इनक्लोज्ड इक्वल टू क्या होगा देखो यहां यहां इनवर्ड आई मीन जो करंट इनटू द बोर्ड जा रहा है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा और जो आउट ऑफ द क्या है बोर्ड है वो क्या है निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां देखो यहां भी 2 एम्पियर करंट इनटू द बोर्ड एंड 2 एम्पियर करंट आई मीन 2 आई करंट जो है आउट ऑफ द बोर्ड हो रहा है, तो यहां आई इनक्लोज्ड भी यहां भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इस केस में भी जो होगा वो क्या होगा बी डॉट क्या होगा डीएल, ठीक है। अब आप यदि फिगर डी में देखोगे तो आई इनक्लोज्ड किधर है यार किधर है देखो करंट का डायरेक्शन किधर है करंट किधर है आउट ऑफ द बोर्ड फ्लो रहा है आई मीन ऐसे है, ठीक है। और एरो से रखोगे तो किधर एरो देखो थंब का डायरेक्शन आई मीन फिंगर को कर्ल करो तो थंब का डायरेक्शन क्या जा रहा है इनटू द बोर्ड जा रहा है, यहां आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा आई इनक्लोज्ड इक्वल टू माइनस 4 आई। तो यहां जब आप इंटीग्रेशन बी डॉट क्या होगा डी एल कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा माइनस म्यूनट 4, ठीक है। तो इस इलस्ट्रेशन से आपने ये सीखा कि जब भी क्या होगा एम्पियर लूप दिया हुआ होगा है ना, ठीक है, आई मीन लूप दिया हुआ होगा तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हमने के देखा था। अब यहां से आपको क्या करना है कुछ इंपॉर्टेंट, देखो यहां क्या है बी डॉट डी एल जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्या होगा कि बी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लूप क्या होगा जीरो होगा, हो भी सकता है और क्या होगा नहीं भी हो सकता है, समझ में आया ना आपको। ये चीज ध्यान देना है कि यदि टोटल करंट इनक्लोज्ड यदि जीरो हो रहा है दिस डज नॉट मीन दैट द नेट आई मीन दिस डज नॉट मीन दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लूप विल बी जीरो, जीरो हो भी सकता है और क्या है नहीं भी हो सकता है, तो ये भी एक पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट इससे देखने से मालूम चल रहा है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल मनली डिपेंड ऑन द नेट करंट इनक्लोज बाय द लूप, है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ करंट इन साइड द लूप, करंट के पोजिशन से क्या है इंडिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इनडिपेंडेंट विद द शेप एंड साइज ऑफ द क्या है एम्पियर लूप, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द नेट करंट प्रेजेंट इनसाइड द एम्पियर लूप, ठीक है। तो कुछ पॉइंट जो है वो हम क्या करेंगे यहां से लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरली आपको माइंड में रखना चाहिए। तो यहां से मालूम चल रहा है क्या, देखो ध्यान से कि नोट में क्या क्या पॉइंट लिखना है, नोट में पहला पॉइंट क्या है कि द वैल्यू ऑफ हाँ उसके बाद क्या है कि एम्पियर लूप पहला पॉइंट क्या है एम्पियर लूप मस्ट नॉट पास थ्रू क्या होगा आई मीन करंट कैरिंग वायर, ये याद रखना है पहला पॉइंट क्या है कि नहीं होना चाहिए एम्पियर्स लूप
एम्पियर लॉ नेवर नेवर पासेस थ्रू थ्रू करंट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप एम्पियर लूप ड्रॉ करोगे तो ये डिस्क्रीट के लिए है, कंटिन्यूअस की बात नहीं होती है। कंटिन्यूअस में व्हेन एवर क्या होगा, यहां लिख दे एम्पियर लूप नेवर पास एम्पियर लूप नेवर पासेस थ्रू करंट कैरिंग वायर, है ना, करंट कैरिंग डिस्ट वायर्स। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट याद रखना है, ठीक है कि हाँ, दूसरा क्या है कि इफ इफ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज जीरो दिस दिस डज नॉट मीन दैट दिस डज नॉट मीन दैट द दिस डज नॉट मीन दैट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी जीरो। ठीक है, ये ध्यान देना है कि यदि बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जीरो हो रहा है, दिस डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एम्पियर लूप पे एम्पियर लूप के हर जगह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जीरो हो भी सकता है और क्या है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आना, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इफ बी डॉट डी एल इज जीरो दिस डज नॉट मीन दैट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी जीरो। इट मे और मे नॉट बी जीरो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मे और क्या होगा, मे नॉट बी क्या होगा, जीरो डिपेंड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है, क्या है थर्ड जो पॉइंट है, ये ध्यान देना है कि लाइन इंटीग्रल आई मीन क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, डज नॉट डिपेंड does not depend on the shape and size of the ampere law। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ओनली डिपेंड ऑन नेट करंट ओनली डिपेंड ऑन टोटल करंट या नेट करंट नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा, बाय द लूप, बट डज नॉट डिपेंड
depend on the actual, on the position, does not depend on the position. क्या चीज पे डिपेंड नहीं करेगा? ये क्या होगा? टोटल इनक्लोज्ड करंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्या होगा? करंट के पोजीशन पे, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑन द क्या होगा, पोजीशन ऑफ करंट, पोजीशन ऑफ करंट इनसाइड द एम्पियर लॉ. ये चीज ध्यान देना है, ठीक है, कि एम्पियर लूप के अंदर जो करंट है उसका पोजीशन क्या है, उससे क्या होता है, इनडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है. अब हम क्या पढ़ेंगे, जस्ट इसके अबाउट कुछ, इसके बारे में कुछ था. अब हम पढ़ेंगे क्या, कि एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा, एम्पियर्स लॉ, आई मीन एम्पियर्स लॉ इज यूज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. तो इसका यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है. ये चीज, यदि मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यदि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, आई मीन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हो तो हम इसको यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ है ना. तो एम्पियर्स लॉ यहां, यहां लिख एम्पियर्स, एम्पियर्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल मैंने बता दिया है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है. अगेन मैं एम्पियर्स लॉ, देखो हमेशा यही यूज करना है, ये एम्पियर्स लॉ फिर से लिख देता हूं, स्टेटमेंट बी डॉट क्या होगा, डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, यही हम अभी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहां, देखो इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है ना. तो अभी हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन क्या है, कि कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर या वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ठीक है. तो यहां पहला जो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरी, इनफाइनाइटली लॉन्ग या इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ठीक है. इसको हम क्या करेंगे, यूज करके, और इसका किसका, एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे. याद रखना है, देखो सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, कि बी जो एम्पियर्स लूप जब आप ड्रॉ करोगे तो बी अलवेज क्या होना चाहिए, अलवेज क्या होना चाहिए, बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी मस्ट बी आइदर टेंजेंट टू द एम्पियर लूप और परपेंडिकुलर टू द एम्पियर लूप. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट ईच एंड एवरी पॉइंट
अब द एम्पियर लॉ मस्ट भी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दो चीज़ें हमेशा आपको ध्यान देना है, तभी हम इसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने बताया था। उसके बाद ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि एम्पियर्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन बायोट सावर्ट लॉ इज वैलिड, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखो ध्यान से, यही क्या है, यहाँ करंट है, ये क्या है, आई है, ठीक है, क्या है, आई, करंट दिया हुआ है ना। आई का मतलब समझ में आया ना कि करंट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। आपको क्या करना है, इससे आर डिस्टेंस पे, क्या है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई क्या है, पी पॉइंट है। यहां क्या करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मैग्नेटिक। तो इसको हमको क्या करना है कि इसको रेडियस मान करके, क्या है देखो ऐसे, इसको हमने क्या किया, रेडियस मान करके हमने क्या किया, ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा, यहां मान लो कि मुझे क्या करना है, यहां पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यही क्या है, करंट कैरिंग वायर। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से देख सकते हो कि इसके द्वारा यही एम्पियर लूप हमने क्या है, कहां निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो स्मॉल आर रेडियस का हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्या कंसीडर कर लिया, सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब आपको देखना है, देखो यहां ध्यान से देखोगे तो करंट जो होगा यही इस लूप के क्या होगा, इस लूप पे कैसे करंट जो होगा उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस लूप पे क्या होगा, देखो उसका डायरेक्शन कैसे होगा, देख सकते हो ना, अरे करंट ऐसे है और मुझे यहां यहां निकालना है, तो देखो तो कैसे, यही होगा डीएल क्रॉस आर। तो क्या है, डाउनवर्ड है, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। यही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट। और बाईसिमेट्री हम बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लूप बोलेंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लूप। और हम जानते हैं, आपको ही मालूम है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर होता है। यदि आर सेम है तो हम बोल सकते हैं, हम जानते हैं बी का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है, टू पाई आर होता है या टू पाई डी। अब यदि आर सेम हो जाए, आई सेम हो जाए, तो वैल्यू मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि बाईसिमेट्री, क्या बोल सकते हैं, बाईसिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाईसिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लूप मस्ट बी कॉन्स्टेंट। मस्ट बी क्या होगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो बी का जो वैल्यू हुआ ये अपने को मालूम चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो क्या है, हर जगह क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो पहला सिमेट्री कंडीशन इस यहाँ। उसके बाद देखो यदि हम डीएल वेक्टर कंसीडर कर ले, चलो यहाँ यही हम डीएल वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो डीएल वेक्टर जो होगा यही डीएल होगा, डीएल, तो डीएल वेक्टर जो होगा, ठीक है, यहाँ ये भी हम बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यहाँ क्या होगा, बी डॉ बी एंड डीएल, यहाँ क्या है, बी क्या होगा, लेंथ वेक्टर, आई मीन हियर लेंथ वेक्टर, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर है ना, डिफरेंशियल लेंथ अब आपको लग रहा है, ध्यान देना कि क्या है,
अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे ही तो कैसे भी कंसीडर कर सकते थे यार तुम, लेकिन बाद में क्या होगा यदि निगेटिव आ रहा है तो जो हमने डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कंसीडर किया है वो क्या होगा, गलत हो। जिससे आपको लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे कंसीडर कर लो यार, ठीक है। तो जब ऐसे कंसीडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान देना है। तो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर डी एल एंड क्या होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी आर क्या है, आर पैरेलल। तो अब हम लिख सकते हैं, नाउ हम क्या लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। अब देखो दोनों सिमेट्रिकल, आई मीन यहां क्या हो गया बी डॉट बी डी एल क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या लिख सकते हैं, एम्पियर्स लॉ लिख सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्या होगा, एम्पियर लॉ इंटीग्रेशन बी डॉट क्या होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इनटू आई, यही है ना करेंट। अब देखो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, तो बी डॉट डी एल जो होगा बी डॉट डी एल है ना। अब हम बोल सकते हैं कि बी डॉट डी एल, बी और डी एल पैरेलल में है तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई। अब मैंने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको मालूम है कि कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं। तो बी इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई। और डी एल क्या है, इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ऑफ एम्पियर लूप। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू क्या हो जाएगा, बी इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, टू पाई क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, टू पाई। देखो तो हमें जानते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, यही तो होता है कि किसी भी स्टेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है, टू पाई साई डी, मैंने बताया था डी, आई मीन यहाँ क्या होगा, टू पाई आर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द क्या होगा, वायर, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ से भी आप क्या कर सकते हो, यूज करके आप इनफाइनाइट, लेकिन याद रखना है कि फाइनाइटली लॉन्ग वायर, यदि फाइनाइट वायर हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट नहीं, वही ध्यान में रखना है। तो ये जनरली क्या होगा, एम्पियर्स लॉ के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, कि बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, एम्पियर्स लूप पे क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डी एल एंड बी वेक्टर दोनों क्या होना चाहिए, आइदर पैरेलल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, एम्पियर्स लॉ यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इवन मेंस और एडवांस में भी, जो आप लोग एच सी वर्मा का आई थिंक 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है ना। इसमें क्या है, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझ लो कि ये क्या है, सिलेंड्रिकल वायर है और उसके थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन क्या है, करंट जो है क्या है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या बोलेंगे, हम क्या कंसीडर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर। अब उसमें दो केस कंसीडर करेंगे, एक क्या होगा कि करंट इज वनली फ्लोइंग अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस, इनके सर्कमफेरेंस के आई मीन लैटरल सरफेस के अलोंग फ्लो हो रहा है, आई मीन हॉलो सिलेंडर है। और दूसरा क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा, जो करंट होगा इसके क्रॉस सेक्शन के क्या है, थ्रू फ्लो हो रहा है, आई मीन करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो दोनों केस हम कंसीडर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट है। तो अब यहाँ जो सेकंड एप्लीकेशन है, तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर, लॉन्ग वायर। यहाँ भी जो भी हम केस देख रहे हैं वेरी लार्ज, देखो मैंने ये भी बताया था कि इनफाइनाइटली लॉन्ग का कोई मतलब नहीं होता, यदि लेंथ जो हो वो आर से क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसिडर करते हैं। तो सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। अब इसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे, ये जो होगा इसमें वन जो हम मानते हैं, क्या मानेंगे देखो ध्यान से, दो पार्ट पढ़ेंगे और ये बोर्ड में भी पूछा जाता है और जी में भी पूछा जाएगा कि पहले क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल वायर, तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग, क्या होगा वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो क्या है, यही क्या है, ये सिलिंड्रिकल वायर है। अब यहां आपको ध्यान देना है कि करंट जो है वो क्या है, सरकमफेरेंस पे केवल फ्लो है, ये ध्यान देना। तो पेरिफेरल, इसका टॉप व्यू मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, देखो टॉप व्यू, तो आपको समझना है, ठीक है, आई मीन ऐसे है, देखो क्या होगा, इसका टॉप व्यू देखोगे तो करंट क्या होगा, आउटवर्ड ऐसे जाएगा, ऐसे समझो, टॉप व्यू मैंने ड्रॉ किया, ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहां क्या है, करंट, यही सिलेंडर है जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है R, और यहां जो ये करंट क्या है, आई फ्लो है टोटल लेंथ के थ्रू। जेई में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि सेमी सर्कल हो, क्वेश्चन भी देता हूं, ट्राई कर लेना तुम लोग, और यहां देखो यहां क्या है, करंट ऐसे आ रहा है, यहां डॉट का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ द क्या होगा, आई मीन तब भी आप देखोगे ऐसे ऊपर से, तो क्या होगा, आउट, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कंसीडर कर लिया जस्ट समझने के लिए। तो यहां देखो ये करंट जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, आर, लेंथ मान लेते हैं क्या है, ठीक है, ये ज्यादा समझ में आ गया, सॉलिड सिलेंडर है, आई मीन हॉलो सिलेंडर है, ये टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। तो यहां जब फील्ड निकालोगे तो दो पूछा जाएगा, दो फील्ड, एक तो क्या है, इस सिलेंडर के अंदर फील्ड क्या होगा और सिलेंडर के बाहर क्या होगा। ये सिलेंडर जो होगा, आई मीन यही सिलेंडर है, ये सिलेंडर करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल जो सिलेंडर जो होगा उसके ये ड्यूअल तरह भी हैव करेगा, एक क्या होगा एनी पॉइंट आउटसाइड के लिए कुछ अलग तरह भी हैव करेगा, एक एनी पॉइंट इनसाइड, आई मीन इनसाइड द सिलेंडर क्या होगा, अलग भी हैव करेगा। तो यहां हम दो केस कंसीडर करेंगे, दो केस क्या है देखो ध्यान से, कि केस फर्स्ट, आई मीन व्हेन, यहां देख रहे हैं केस, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द क्या होगा सिलेंडर, अब सिलेंडर के अंदर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर क्या है कोई भी पॉइंट है पी, आपको क्या करना है, क्या करना है, पी पॉइंट पे क्या करना है, मान लो कि यही पॉइंट पी हो गया, यही इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो ध्यान से, यहां यही क्या है, यहां फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा देखना, ये रेडियस हो गया आर, यही तुम्हारा क्या है करंट है ना, अब एम्पियर्स
लूप मैं ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, क्या होगा, एम्पियर्स लूप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ मुझे पी पॉइंट पे जब फील्ड निकालना होगा तो हमने क्या किया, यहाँ सर्कुलर लूप, हमने सर्कुलर एम्पियर लूप ड्रॉ किया। ये क्या हुआ, एम्पियर। ठीक है, और मैंने माना कि चलो हमने रेंडमली मान लिया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने मान लिया है। ठीक है, क्या है, मैंने मान लिया कि इधर, मैंने माना कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। लेट अस कंसीडर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, हमने मान लिया। तो यदि आप, मैंने मान लिया कि क्या है, एम्पियर्स लूप पे क्या है, ये एम्पियर्स लूप के अंदर क्या है, सॉरी एम्पियर्स लूप के हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, बी है। और मैंने मान लिया कि बी का जो वैल्यू है क्या है, कॉन्स्टेंट है। कंसीडर मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया यार, है नहीं। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, एम्पियर्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट क्या होगा, डी एल इक्वल टू क्या होगा, म्यूनट इंटू आई इनक्लोज्ड। और यार इसके अंदर तो करंट ही नहीं है, करंट कहां से फ्लो रहा है, सरकमफेरेंस से, ऐसे ऐसे, इधर तो कुछ करंट ही नहीं है। तो ये वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई इनक्लोज, अरे करंट तो सरकमफेरेंस या पेरिफेरल के थ्रू, लैटरल सरफेस के अलोंग फ्लो हो रहा है यार, इनसाइड करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, आई इनक्लोज क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, आई इनक्लोज जो है वो क्या है, जीरो हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यार कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया यार। अब ये मान लो कि पैरेलल है यार, यहां हमने मान लिया कि बी डॉट डी एल, ये भी मान लिया कि बी डी एल हो गया है ना, इक्वल टू जीरो। यहां हमने मान लिया कि बी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी इंटू टू पाई आर भी मान लिया। अब यार ये इसका लेंथ तो कभी जीरो, देखो क्या है, बी इंटू क्या है, टू पाई आर जीरो, ये तो रेडियस जीरो नहीं हो सकता यार, एम्पियर्स लूप का रेडियस जीरो नहीं हो सकता, इसलिए क्या होना चाहिए, बी मस्ट बी क्या होना चाहिए, जीरो। हेंस आपको क्या याद रखना है, हेंस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो करंट कैरिंग, हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो। समझ में आता, हमने माना था कि सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट है, वो मेरा एजम्पशन जो है वो क्या है, गलत है। क्या है, मेरा एजम्पशन जो है वो क्या है, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि b इंटू टू पाई आर जीरो हो रहा है, टू पाई आर तो कभी जीरो नहीं होगा यार, लेंथ कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, b को क्या होना चाहिए, जीरो। Hence, क्या होना चाहिए, Hence, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर मस्ट बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो। तो लिख सकते हैं Hence, यहां से लिख सकते हैं Hence, मैग्नेटिक फील्ड, इसको दूसरे मेथड से भी मैं प्रूव करूंगा बाद में, है ना, अभी नहीं। Hence, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर विल बी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर विल बी क्या होगा, विल बी ऑलवेज तो बी यहां लिख देता हूं, बी विल बी क्या होगा, जीरो, जब आर क्या होगा, लेस देन क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड केस क्या है, केस हमने सेकंड मान लिया है कि एनी पॉइंट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट
आउटसाइड, ठीक है, अब सिलेंडर। अब आउटसाइड के लिए, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब जब मुझे आउटसाइड के लिए चेक करना है, अब अगेन हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे निकालना है, यही क्या है तुम्हारा, सिलेंडर है, ठीक है, क्या है, सिलेंडर दिया हुआ है। तो यहां देखो, यही सिलेंडर है, थोड़ा छोटा इसको ड्रॉ कर देता हूं, और करंट, यही क्या है, मैं करंट जो है आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, ये क्या है, आई। अब मुझे इसके सेंटर से, यहां यही सेंटर है, इसके सेंटर से यहां कोई पॉइंट क्या है, पी है, यहां मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से क्या करना है मैग्नेट। अब हम क्या करेंगे, इसको एक रेडियस कंसीडर करके हम क्या करेंगे, एम्पियर्स लूप, ठीक है, ध्यान देना, एक एम्पियर्स लूप हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सिमेट्रिकल होना चाहिए, लेकिन ऐसे आप कंसीडर कर लेना कि ये सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर है। तो हमने क्या किया, एक एम्पियर लूप, देखो इसका रेडियस क्या है, आर है ना, क्या है, रेडियस क्या है, आर है। हमने क्या किया कि इसका जो डायरेक्शन जो है, ठीक है, अब बाइसिमेट्री क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि बाइसिमेट्री मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, देखो तो पहले आई इनक्लोज्ड कितना होगा, यहां हमने मान लिया, देखो कोई पॉइंट पी है, यहां डीएल एलिमेंट मान लिया, और ऐसे बी का डायरेक्शन, ठीक है, यही, तो यहां क्या है, बी डॉट डीएल है ना, तो बाइसिमेट्री बोल सकते हैं, बाइसिमेट्री बी क्या होगा, बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, तो देखो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी डॉट डीएल जो होगा वो क्या होगा, नाउ लिख, डायरेक्ट मैं बताता हूं, यहां हमने क्या मान लिया कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ में आया ना, यही क्या होगा, एम्पियर, तो बाई सिमेट्री बी जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम एम्पियर, एम्पियर लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, और देखो ये आई इनक्लोज कितना होगा यार, आई होगा ना, तो यहां लिख सकते हैं कि बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई, अब बी और डी एल दोनों पैरेलल हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी अगेन हम क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, तो बी इंटू टू पाई क्या होगा, आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो गया, टू पाई। बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड सिलिंड्रिकल वायर विल बिहेव लाइक ए थीन वायर विच इज विच लाई अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड क्या होगा, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर विल बिहेव लाइक ए थीन वायर, किस तरह बिहेव करेगा, देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड है ना यार, अरे है ना, यही बी यही होता है ना, बिहेव लाइक, बिहेव लाइक ए थीन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो यहां लिखेंगे और फिर नोट में यहां लिखेंगे, नोट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, तो जब भी आप क्या करना होगा कि आपको आउटसाइड निकालना होगा तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज, तो हम लिखेंगे कि फॉर क्या होगा, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड, फॉर
एनी पॉइंट आउटसाइड और एनी पॉइंट आउटसाइड करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर वेरी लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर वी हैव सिलिंड्रिकल वायर वी हैव लाइक ए थीन लाइक ए करंट कैरिंग थीन लाइक ए थीन करंट कैरिंग वायर वी हैव लाइक ए थीन करंट कैरिंग वायर लाई अलोंग along the axis of cylinder. ठीक है, क्या होगा? एक्सिस ऑफ सिलेंडर, आई मीन ऐसे सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, तो आउटसाइड के लिए मान लो कि यहाँ पी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, एक थीन वायर, यही क्या होगा एक्सिस, और ये लॉन्ग इनफाइनेटली लॉन्ग वायर हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर लिख सकते हैं, ठीक है, तो फॉर क्या होगा, फॉर हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर ठीक है फॉर हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर ध्यान देना B इज इक्वल टू क्या होगा जीरो जब R क्या हो लेस देन R हो इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट I अपॉन क्या होगा टू पाई R जब R क्या हो ठीक है ये याद रखना जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे ये ग्राफ भी पूछा जाता है तो यही क्या हो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सॉलिड सिलेंडर के सरफेस पे जो क्या होता है मैक्सिमम क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जो क्या होगा मैक्सिमम होगा ये भी पूछा जाएगा तो ऑन द सरफेस ऑफ द क्या होगा कंडक्टर यहाँ क्या हो जाएगा बी मैक्स ठीक है कहाँ सरफेस तो बी मैक्स यहाँ लिख सकते हो कि बी मैक्स इक्वल टू क्या हो गया यार म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा टू पाई तो हम बोल सकते हैं कि ऑन द सरफेस अब द क्या होगा ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ क्या होगा सिलेंडर द मैग्नीट्यूड आई मीन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्या होगा मैक्सिमम तो यहां से लिख सकते हो नोट में क्या लिखोगे ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्या होगा विल बी मैक्सिमम ठीक है समझ में आया ना ये ध्यान रखना है और यहाँ लिख देता हूँ बी मैक्स जो होगा क्या होगा
म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई क्या होगा आर, पाई का क्या है फर्स्ट पार्ट, तो याद रखना है कि सिलेंडर किसी भी टाइप का हो, सॉलिड हो या हॉलो, आउटसाइड के लिए क्या होगा थिन वायर की तरह बिहेव करेगा और इनसाइड के लिए तो आप जानते ही हैं। एक चीज यहां ध्यान देना है कि जिस क्या होगा यदि करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो और एम्पियर लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, इसको आगे भी हम दूसरे मेथड से भी प्रूव करेंगे, जब अलग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नहीं अरे इसको हम दूसरे तरह से भी हम क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं। अब हम आते हैं क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें बी पार्ट जो था वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है ना, तो बी में क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर। ठीक है, अब देखो यहाँ सिलेंडर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ है ना यार, यहाँ क्योंकि सिलेंडर देखो यहाँ भी सिलेंडर यही सिलेंडर है, थोड़ा पतला ड्रॉ करने दो है ना, लॉन्ग सिलेंडर है हमेशा, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यही क्या है लॉन्ग सिलेंडर है ना, क्या है लॉन्ग सिलेंडर ऐसे। ठीक है, ऐसे करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन याद रखना है, ये क्या है करंट क्या है आई है ना, इसका रेडियस क्या है यही सिलेंडर का एक्सिस है, मान लो ये क्या एक्सिस है और यहां एक चीज ध्यान है करंट इज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, थ्रू द क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आप यहां ध्यान से देखना है ना, ध्यान से जब देखोगे यही क्या है आई करंट फ्लो है। अब इसका मैं टॉप व्यू दिखा देता हूं यार, टॉप व्यू से ज्यादा आपको समझ में आएगा कि इसका जब टॉप व्यू देखोगे तो कुछ ऐसे होगा है ना, देखो यहां क्या है टॉप व्यू आप देखोगे तो कुछ ऐसा आपको। ठीक है, ऐसे ही क्या है ऐसे देखो मैंने रखा है, तुम ऐसे मत समझना, ऐसे टॉप व्यू का मतलब ये होगा करंट जो है यहाँ डॉट का मतलब क्या होगा वर्टिकल अपवर्ड, ये ऐसे समझ लो कि यहाँ करंट को हम ऐसे दिखाते हैं यार, समझने में आसानी होगी, या यही क्या है आप टॉप व्यू समझ सकते, फ्रंट व्यू नहीं टॉप व्यू। करंट जो है यूनिफॉर्मली क्या है ठीक है आई, ठीक है टॉप व्यू, अब यहां भी क्या है इसका रेडियस क्या है आर है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है आर है और लॉन्ग सिलेंडर है, क्या है लॉन्ग सिलेंडर
तो यहाँ भी हम दो केस कंसीडर करें, ठीक है। एक क्या होगा, फर्स्ट केस क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। क्या होगा, एक जो केस होगा यहाँ, तो यहाँ ध्यान देना कि इस फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द क्या होगा, ठीक है। अब इनसाइड जब आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, अगेन क्या करना है, एम्पियर्स लॉ ड्रॉ करना है, एम्पियर्स लूप ड्रॉ करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, करंट डेंसिटी, देखो यहाँ करंट डेंसिटी कितना होगा, क्या होगा करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन क्या होगा, पाई। और आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ आर क्या होगा, सेम, ठीक है। तो यहाँ देखो, देखो ध्यान से, यही क्या है, सिलेंडर का एक्सिस है, ऐसे समझो एक्सिस है, ठीक है, और करंट ऐसे आ रहा है, बाहर आ रहा है, ऐसे मानो, यहाँ हमने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया, तो क्या होगा, करंट बाहर आ रहा है, ऐसे सोचो। तो जब आप क्या करोगे, यहाँ हमने क्या किया, एक एम्पियर लूप ड्रॉ किया, यही एम्पियर लूप हो गया, ठीक है, क्या हुआ, एम्पियर। अब मुझे क्या करना है, याद रखना है, यही क्या है, करंट है यार, और इधर भी करंट है, ठीक है, यही इससे r डिस्टेंस, एक्सिस से r डिस्टेंस पे हम क्या कर रहे हैं, फील्ड निकाल रहे हैं, कोई पॉइंट क्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया कि ऐसे है, कैसे, बाद में एक ट्रिक भी बता देता हूं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, एम्पियर्स, एम्पियर्स। अब हम पहले तो आई इनक्लोज्ड कैलकुलेट कर ले, आई इनक्लोज्ड का मतलब क्या हुआ, इस एम्पियर्स लूप में जितने करंट इंक्लोज होते हैं, पहले तो यही चाहिए यार, दूसरा कुछ, तो हम डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं, फिर मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि क्या यहाँ क्या है, आपको ये समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख दूँ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, एम्पियर लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, यही कैलकुलेट करना है। अब यहाँ ये भी लिख सकते हैं, बी इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, तो यहाँ लिख सकते हैं बी इंटू टू पाई क्या होगा, आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, यही याद रखना है, ठीक है, कि जहाँ भी निकालना है एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर लो और आई इनक्लोज्ड कंसीडर कर लो सिलिंड्रिकल वायर के लिए, बाद में मैं नोट में लिख दूंगा इसको। तो यहाँ क्या होगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या होगा, टू पाई। अब आई इनक्लोज्ड देखो क्या होगा, यदि ये बाहर होता तो आई इनक्लोज्ड इक्वल टू क्या होता, आई हो जाता, ठीक है। अब आई इनक्लोज्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आई इनक्लोज्ड कैसे कैलकुलेट करोगे यार, तो लिख सकते हैं देखो, पाई आर स्क्वायर एरिया के थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है, यूनिट एरिया के थ्रू आई बाई क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आई इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा क्या, तो आई इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या होगा, अब एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये क्या होगा, तो फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बी क्या होगा,
बी इज इक्वल टू म्यूनट है ना, देखो ध्यान से, टू पाई आर स्क्वायर क्या होगा, आर ठीक है, इसको तो इनसाइड जो होगा देखो ध्यान से, मिनिमम फील्ड जीरो का होगा एक्सिस के सिलेंडर, सिलेंडर के एक्सिस पे, और उसके बाद क्या होगा लिनियरली वैरी करेगा, कहां मैक्सिमम होगा सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है लिनियरली नॉन लिनियरली क्या होता है डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये कब होगा जब आर क्या होगा आर विल बी लेस देन क्या होगा, ठीक है बाद में हम लिखते हैं। अब आते हैं क्या होगा कि व्हेन सेकंड जो केस है वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ क्या होगा सिलेंडर, ठीक है। जैसे देखो यही सिलेंडर है, यहाँ करंट क्या है थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन क्या है यूनिफॉर्मली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही इसका एक्सिस हो गया, यहाँ से आर डिस्टेंस पे मुझे फील्ड निकालना है, तो बाई सेमेट्री आप देखोगे आर डिस्टेंस पे यहाँ, तो इसको हम कंसिडर करके क्या करेंगे एम्पियर्स लूप, यही क्या हुआ एम्पियर्स लूप ड्रॉ किया। यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे तो बाई सेमेट्री हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा टेंजेंशियल होगा, ठीक है बोल सकते हैं। तो यहाँ हम एक चीज लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं कि इनसाइड क्या होगा, अब फिर देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब है ना, नाउ हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम एम्पियर्स, तो क्या होगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू क्या होगा आई इनक्लोज्ड, और देखो यहाँ आई इनक्लोज्ड इक्वल टू आई हो जाएगा क्या, क्योंकि एम्पियर्स लॉ क्या यही है क्या, तो आई इनक्लोज्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। अब बी डॉट डी एल, बी और डी एल जो होगा वो क्या होगा सेम डायरेक्शन में होगा, तो क्या हो जाएगा, और बी कॉन्स्टेंट भी है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है। अब यहां से क्या होगा अगेन देखो b इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है अपॉन क्या हो गया टू पाई क्या हो गया, तो यहां से लिख सकते हैं b इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा टू पाई, ये कब हुआ जब r क्या हो गया, ठीक है। तो फॉर सॉलिड सिलेंडर अब देखो यहाँ क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा r हो रहा है, तो यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अब मैं लिख देता हूँ फॉर सॉलिड सिलेंडर, अगेन देखो फॉर आइदर क्या हो सिलेंडर सॉलिड हो और क्या हो हॉलो हो आउटसाइड इट इज ऑलवेज बिहेव लाइक ए थिन वायर, वही बिहेव कर रहा है ना देख रहा है ना यार मी नॉट आई अपॉन टू पाई आर, किसका फॉर्मूला यार मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उसी के द्वारा फॉर्मूला होता है ना यार, उसी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो आउटसाइड के लिए क्या है आइदर सॉलिड सिलेंडर हो और क्या हो हॉलो सिलेंडर हो एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ इट इट ऑलवेज बिहेव लाइक ए थिन करंट कैरिंग लॉन्ग वायर विच लाई अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये चीज हमेशा क्या है ध्यान देना। तब यहां लिख देता हूं फॉर क्या होगा फॉर सॉलिड सिलेंडर, देखो एक जगह लिख देता हूं B is equal to क्या होगा B is equal to म्यू नॉट I upon क्या होगा 2 pi R square R, यहाँ R less than हमने R ले लिया is equal to क्या होगा म्यू नॉट I upon क्या होगा 2 pi क्या होगा R, जब R क्या हो जाए greater than, ठीक है A yeah। अब यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यहां भी देखना देखोगे ध्यान से ए एच सी बारह में 6 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो यहां से आप देखोगे
कि रेडियल डिस्टेंस क्या है, यहां से लिख देता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, इधर क्या है बी। तो ध्यान से देखोगे कि इनसाइड क्या है, लीनियरली वैरी कर रहा है, वैरी कर रहा है ना। सरफेस पे जाकर के क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया, और सरफेस के बाद क्या हुआ, यहां जो है वो क्या है, ठीक है, तो यहां बी मैक्स होगा। तो अंदर जो है, भी एडवांस में पूछा जाए कि अंदर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो हम बोल सकते हैं इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी लिनियरली विथ डिस्टेंस, वाइल आउटसाइड इट इज वेरी नॉन लिनियरली विथ क्या होगा, डिस्टेंस। तो आप ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द आर इक्वल टू क्या है, आर। तो यहां से बी वर्सेस अगेन क्या है, आर, ठीक है, ग्राफ। इसके बाद और भी एक दो पॉइंट है इसमें, तो यहां से नोट में लिख लेना है, नोट में क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द क्या होगा, एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एट द क्या होगा, एक्सिस ऑफ सॉलिड सिलेंडर विल बी क्या होगा, विल बी जीरो। इनसाइड क्या होगा, इनसाइड सिलेंडर, इनसाइड सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस लिनियरली एंड बिकम मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहां बी मैक्स कोई पूछे तो क्या बताओगे, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा, टू पाई क्या होगा, ठीक है। एंड आउटसाइड क्या है, नॉन लिनियरली वेरी कर रहा है, तो ये पूछा जाता है। इसके बाद इसको हम दूसरे टर्म में भी लिखेंगे, जब कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा तो वहां हम इसको दूसरे रिजल्ट में डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे अभी, ठीक है, करंट डेंसिटी के टर्म में। अभी ये स्केलर फॉर्म में लिखा है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो एक पॉइंट यहाँ, तो अब अगला जो इसमें पॉइंट है क्या है, देखो ध्यान से, हमको अब लिखना क्या है कि वेक्टर फॉर्म में, तो फॉर सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ वेक्टर ए लिख लेना, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो म्यू नॉट है ना, आई अपॉन क्या है, टू पाई क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है, यही है ना, इनटू आर, इनटू क्या है, आर। ये कब है, जब आर क्या होगा, लेस देन क्या होगा, कहीं भी एक जगह इक्वालिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन टू इंटू जे इंटू आर। जे क्या है, करंट डेंसिटी, आई अपॉन एरिया ही होता है ना यार, करंट डेंसिटी। अब द डायरेक्शन, अब देखो तो जैसे करंट ऐसे आ रहा है, देखो याद ध्यान से, यदि ऐसे सोचो कि यही क्या है, सिलेंडर ऐसे रखा गया है, बस मैं जे के टर्म में लिखना चाहता हूं, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस में लार्जर सिलेंडर है, ठीक है, यही। यहां आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऐसे ही होगा, यही होगा ना यार, देखो कैसे
अरे डीएल क्रॉस देखो, आई का डायरेक्शन ऐसे, डीएल क्रॉस आर, ऐसे ही होगा ना यार, ऐसे हर जगह बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा हर जगह क्या होगा, सेम होगा। और पाथ पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। क्या होगा पाथ पे, क्या होगा टेंजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ जी इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, बताया था, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, करंट। तो देखो जे क्रॉस आर जो होगा यही क्या है, देखो आर है, यही आर है ना, ये आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा यार। और जे का डायरेक्शन ऐसे है, देखो जे का डायरेक्शन क्या ऐसे है, तो जे क्रॉस आर जो होगा वो क्या चीज का डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन टू जे क्रॉस क्या होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, जे क्रॉस आर। उसी तरह आउटसाइड के लिए, ठीक है, बी में क्या होगा, आउटसाइड के लिए क्या था, देखो ध्यान से, बी इज म्यू नॉट अपॉन क्या है, टू पाई, देखो यहां आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या लिख रहे हैं, आर, यही लिख रहे हैं ना यार, ठीक है, अरे सही है ना, इंटू क्या है आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज ए कब है, जब आर क्या है, ग्रेटर देन आर है ना। अब यहां देखो इसको भी हम लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन टू जे, ठीक है, सॉरी जे, अब यहां ऐसे लिख रहे हैं जे आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर जे, यहां ऊपर भी आर लिखा और नीचे भी आर लिखा, सही है, कोई डाउट नहीं है ना। अब अगेन जे क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और जे क्रॉस आर जो होगा ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। ये तब हेल्पफुल होगा जब कैविटी से रिलेटेड, बेसिकली एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इससे, लेकिन ये याद रखना है। तो हम यहां से भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जे क्रॉस क्या होगा, ये कब लिखेंगे, जब R क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर सॉलिड सिलेंडर, ये याद रखना, फॉर क्या होगा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन टू J क्रॉस R, यही होगा ना, R is less than R is equal to mu naught upon 2 R square upon R square, जब क्या होगा R is क्या होगा greater than, तो ये जनरली क्या होगा जब कैविटी से रिलेटेड हम क्या करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब कैविटी से रिलेटेड हम क्या करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ ये चीज हम क्या करेंगे देखेंगे, क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है, इसकी यूज, तो ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इसका यूज कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए क्या है। अब आपको नोट में एक पॉइंट लिख देता हूँ कि जब भी सिलेंड्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक है जस्ट, बस वही याद रखना है, तो उससे वो ज्यादा आसानी से क्या होगा सॉल्व हो जाता है। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है, इसको यूज करके आप एक एक स्टेप में कैविटी से रिलेटेड क्या कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कैविटी से रिलेटेड। तो यहां हम क्या करेंगे, नोट में लिखना है, आई मीन ट्रिक, फॉर सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग क्या होगा वायर,
सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। इसके लिए क्या होगा, देखो ध्यान से, बी आई बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या होगा, टू पाई। बस यही याद रखना, I enclosed केवल क्या करोगे, कैलकुलेट कर लो, I enclosed क्या होगा, I enclosed कि जिस रेडियस पे, आई मीन एक्सिस से जितने रेडियस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस क्रॉस सेक्शन में, आई मीन गिवन एम्पियर्स लूप में, आई मीन उस क्रॉस सेक्शन में कितने करंट फ्लो हो रहा है, वही आपको क्या है, कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, I enclosed का मतलब क्या हुआ, enclosed करंट enclosed बाय द क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हैविंग रेडियस ए स्मॉल r, क्या है, स्मॉल r। यहां ये मैं बताता हूं, करंट enclosed बाय द क्या होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस। बस यही ट्रिक याद रखोगे। अब देखो यदि आउटसाइड होगा यार, है ना, आउटसाइड होगा तो आर रेडियस में क्या हो जाएगा यार, करंट कितना होगा, जितना करंट फ्लो हो रहा है। यदि इनसाइड होगा तो केवल क्या करना है, या आई इनक्लोज्ड भी बता देता हूं सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो आई इनक्लोज्ड इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन क्या होगा, आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। तो बस यही आपको आता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कैविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर सोलेनोइड और टोरॉइड पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।